So hello guys, welcome back to my channel. Once again it's me Lakpa and you're watching Kawasaki Live. So आप देख सकते हैं कि मेरे बाइक के सीट के पीछे एक छोटा सा कार्टून लगा हुआ है जिसमें लिखा है प्लीज़ हैंडल विथ केयर, जो कि है ये एक कस्टमर का जो ऑर्डर था, जो कि आज भी एक होम डिलीवरी है. लेकिन गाइज, आज का जो होम डिलीवरी है ये वाला व्लॉग एकदम मज़ेदार बनने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस का है. कर्सिंग बल्कि एक टाउन है जो कि प्यारा सा एकदम यहाँ से दिखता है, लेकिन अभी क्लाउड के कारण मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ ड्यू टू दिस बैड वेदर, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ी बारिश होने की संभावना है और हो भी रही है थोड़ी थोड़ी. सो फिलहाल अभी मैं लेके जा रहा हूँ ये वाला आइटम. इसके अंदर है आपका जो भी आप देख सकते हैं, ये जो भी स्क्रीन पर आ रहा है, जो यो की है सॉफ्ट टॉयज, एक यूनिकॉर्न, एक और छोटा यूनिकॉर्न द बिगर साइज एंड द स्मॉल साइज, जो कि एक और बहुत सारा आइटम्स है आप देख सकते हो यार. हाँ, तो फिर ये एक सरप्राइज गिफ्ट है, एक मेरा एक कस्टमर था. तो पहले बाइक के ऊपर बैठ ले, तो फिर चलते थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके साथ, क्योंकि बारिश का संभावना है, थोड़ा देख के चलाना होगा. हाँ, तो मैं कह रहा था जो वीडियो के माध्यम से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया मुझे इंस्टाग्राम पर, कि उन्होंने कहा कि मैंने आपका जो डिलीवरी ब्लॉग था यूट्यूब पे देखा था. सो उन्होंने पूछा कि क्या आप कर्सिंग तक भी डिलीवरी करते हो, तो मैंने कहा हाँ ज़रूर. तो आप ये देख सकते हैं हमारा कन्वर्सेशन, जो कि उन्होंने, हाँ आपने देख लिया होगा, जो कि उन्होंने कहा कि एक ये सरप्राइज़ गिफ्ट है, क्योंकि वो कर्सिंग पे नहीं है, उनके फैमिली है, उनके बच्चे हैं. तो उन्होंने कहा कि आप जाके इस एड्रेस पर ये गिफ्ट पहुँचा देना. और सो उसी हिसाब से मैं सुबह निकला हूँ. देखिए आप, बारिश भी हो रही है, मैं सोचा था कार लेके जाऊँगा, बट कर्सिंग में हिल्स में कार लेके जाना एकदम मेरे को बोरिंग लगता है, और प्लस कार पे उतना मज़ा भी नहीं आता है. शायद जितना मुझे कंफर्टेबल होता है व्लॉगिंग करना अपनी बाइक पर, उतना कार पे थोड़ा परेशानी होती है मुझे. और बारिश भी हो रही है, सो आज का जो व्लॉग है थोड़ा मिस मत कीजिएगा और स्किप भी मत कीजिएगा. जितना हो सके मैं आपको अच्छी तरीके से आज का जो व्यू है, क्योंकि आज ज़्यादा व्यू का मज़ा आप ले लिया, ज़्यादा व्लॉग का नहीं. सो अभी मुझे जाना है फटाफट, तो फिर चले और इंजॉय करो इस व्लॉग को. सो ये मैं एंट्री करने वाला हूँ रोहिणी गेट, और देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं पहले कि क्या क्या करना है क्या नहीं. सो यहाँ से कुछ नहीं बोल रहा अभी, तो मुझे लेना है राइट. सो ये जाएगा हमारा कर्सिंग. सो यहाँ से दिखने में देखो नज़ारा जो है काफ़ी क्लियर लग रहा है, बट पहाड़ का कोई भरोसा नहीं है भाई. क्योंकि अभी दिखने में क्लाउडी है, उतना क्लियर भी नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा विजिबल है यहाँ से. होप फॉर द बेस्ट कि वे ना हो, क्योंकि यहाँ पे सामान भी है पीछे और ऊपर से सॉफ्ट टॉयज है वहाँ पे पूरा, लेकिन मैंने बंदोबस्त किया है अंदर से एकदम फुल प्लास्टिक कवर करके और ऊपर से कार्टून रैप. तो अगर बारिश आएगा भी तो कार्टून खाली भीगेगा शायद, अंदर का जो है फुल्ली मैंने कवर किया प्लास्टिक का. तो फिर चले इंजॉय करते करते. तो ये मैं एंट्री कर चुका हूँ, जो कि है ये रोहिणी. बस मन में यही डर है कि बारिश ना हो ज़ोर से, हल्की हल्की हो रही है कोई बात नहीं, बट अगर ज़ोर से बारिश हुआ तो फिर ये सब खतरा चलाते हैं, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो जाएगा. सो ये फिर मैं रोहिणी का जो बाज़ार है उससे ऊपर आ चुका हूँ, जो कि यहाँ का व्यू देख लीजिए, ये जो व्यू है
काफ़ी सुंदर सा है। और ये वाला जो रूट है, मैं बोल सकता हूँ हाँ काफ़ी महीने के बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि रास्ता पूरा खाली है, ऐसा नहीं, गाड़ी वाड़ी सब चल रही है, जो ट्रांसपोर्ट वाली ट्रक होती है वो सब चल रहे हैं यहाँ पे। और ये वाला जो रूट है ना अभी जो दिख रही है, काफ़ी डरावना है, स्लिपरी है। ये देखिए, ऐसा करने से अगर ऊपर दूसरा लेन में चला जाता है, सो इसमें आप हमेशा धीरे चलाएं। काफ़ी लोग स्लिप हुए यहाँ पे। और ये जो रूट है काफ़ी नैरो भी है, सो इसका आपको संभाल के चलाना होगा। ऐसा नहीं कि हीरो दिखा दे अपना बाइक का पूरा घुटने को नी करके क्योंकि अभी बारिश का मौसम भी है, प्लस यहाँ का जो रूट है ना सोचिए ढलान टाइप की जो आप देख रहे हो ना इसका। और आप सभी को पता होगा कि फ्लाई हिल्स में चलाने से हमेशा आप अपने लाइन पे चले, दूसरों की लाइन पे चलोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये झरना देख लो यहाँ का, काफ़ी महीने के बाद हिल्स पे राइड करने का मौका है। और आप लोगों को भी काफ़ी महीने के बाद मैं हिल्स दिखा रहा हूँ, सो भरपूर इंजॉय करें इस व्यू को। आगे जाके थोड़ा सा आपको व्यू का मज़ा आएगा, अभी नहीं, सो थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर आपको हम दिखाएंगे। और यहाँ का सारा दुकान सब है, पूरा का बंद है, कोई कोई खुला है। पहले हम लोग सुबह सुबह आए करते थे ब्रेकफास्ट राइड के लिए, तो अभी जो है अभी जो देखने को मिल रहा है कि इतना सारा दुकान है पहले का, ये देखिए पूरा ये जो सब दुकान है ये पूरा यहाँ पे खाना वाना सब मिलता था, अब ये भी बंद है, शायद हो सकता है सुबह के कारण। अच्छा है कि यहाँ का जो वेदर है वो क्लियर है, ताकि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ अच्छे से। ओहो अब देखिए जो यहाँ का व्यू है, अब जो कुहास जो लगना शुरू हो चुका है क्योंकि थोड़ा सा हम लोग ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं इसीलिए, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच के आइल ऑफ कोर्सेंग। और यहाँ का भी एक अच्छा सा व्यू है, जो कि हम लोग यहाँ पे जो हमारा सिलगुड़ी है वो अच्छी तरह से क्लियर दिखती है। और यहाँ पे देखिए जो गेट लगा दिया है क्योंकि ज़्यादा क्राउड ना हो बोलकर। ओहो गाइस शायद आप देख पा रहे हैं नहीं, थोड़ा सा लेंस को साफ कर ले, देखिए पूरा कुहास लगा हुआ है। अगर गाइस आप लोग भी कोई इस तरह से सरप्राइज गिफ्ट अपने लव वन अपने फैमिली को, अगर आप दूर हो या फिर आप चाहते हो कि हाँ आप उनके हमारे थ्रू आपका जो प्यार जो सामान है पहुँचाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बेझिझक हमें मैसेज करें, हम अपना पूरा अच्छी तरीके से अपना आपका जो प्रोडक्ट है उसको हम पैक करके आपके जो फैमिली मेम्बर्स या आपके लव वन को हम पहुँचाएंगे। तो इसी तरह जो आज का भी डिलीवरी है वो भी एक सरप्राइज़ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं यहाँ पे बिना भीगे पहुँच गया। आई मीन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है बट उतना नहीं चलेगा, अब तो मैं कोचिंग पहुँच ही गया हूँ। मैं सोचता था सुबह में 6 बजे निकल जाऊँगा बट सुबह काफ़ी बारिश हो रही थी हमारे नीचे बागरा पर। सो ये देखिए हमारा कोचिंग, थोड़ा सा मैं यहाँ रुक लेता हूँ। वाह वाह वाह, ये देखिए भाई अब मुझे जाना है जो यहाँ के स्टेशन है रेलवे स्टेशन, वहाँ से मुझे लेना है लेफ्ट लेना है, जो उनके उन्होंने कहा था कि मुझे लेफ्ट लेना है। सो एक थंबनेल के लिए मैं यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ, ये आपका टीवी टावर, इसी ईगल क्रैक भी कहते हैं वो जो पार्क है वहाँ पे, जो यहाँ पे लव डाड़ा बोल के भी एक कुछ नाम है। और उस तरफ ये पार्ट छोड़ के उस तरफ से एक और रूट है जिसको कहते हैं हम लोग कहते हैं पंखाबारी, काफ़ी डराना रूट है। सो एक फ़ोटो ले लूँ यहाँ पे, तो लेट्स मूव फिर चले। इस पीछे का जो कार्टून है उससे काफ़ी मुझे परेशान दिया था टर्निंग में।
ये हम पहुंच गए कर्सेंग। बात करते करते मुझे करीबन लगा यहाँ पे आना एक घंटा, क्योंकि काफ़ी स्लो आया, रुक रुक के आया, और कैमरा को इस एंगल से उस एंगल से शूट करते करते सो ये मैं पहुंच गया हूँ रेलवे स्टेशन, जो मुझे लेना है कर्सेंग से, हाँ ये वाला। सो मैं यहाँ ले रहा हूँ। सो ये वाला जो रास्ता है ना, अगर आप डेटिंग अपने गर्लफ्रेंड के साथ आते हो तो आप इस रास्ते को फॉलो करो और सीधा चले जाओ, एक ईगल क्रैक बोल के यहाँ पे पार्क है। कुछ तो चेप चेप हल्के बाड़ो, यो दिएर म गइहाल्छु हजुर। उहाँको घर चाहिँ कुन थियो हजुर? ए हजुर, त्यसो भए दिदीलाई बोलाइदिनुहोस् न एकछिन। हजुर हुन्छ हुन्छ। सो गाइस, ये वाला जो पार्सल है यही घर है उनका। सो देखते हैं ये वाला ऑर्डर सही जगह पहुँचे कि नहीं। शायद भैया देख रहे होंगे, उन्होंने जो वीडियो में जो दिया था पिक्चर्स वो था ग्रे कलर का, बट यहाँ पे तो मुझे ऑरेंज दिख रहा है। यो एड्रेस तपाईँको ए यहाँ गिफ्ट पठाइदिएको छ छोरीको लागि, हुन्छ यही पुऱ्याउनु थियो, हुन्छ। आइया सो दादा, तपाईँको मैले काम गरिदिएँ हो, अब चाहिँ घर जान्छु। अबुई सो डिलिभरी हो गया कम्प्लिट, और सो ये वाला जो एड्रेस था उतना मुझे ढूँढना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे जो भैया थे जिन्होंने ऑर्डर किया था उन्होंने एकदम मुझे एक्सप्लेन कर दिया था कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, और उन्होंने पूरा पिक्चर के साथ मुझे एड्रेस दिया था। तो सो मुझे उतना ढूंढना नहीं पड़ा। सो अभी मैं निकल रहा हूँ घर की ओर, बिना कहीं रुके सीधा चला जाऊँगा। सो आपने शायद इंजॉय किया होगा व्यू को, हो सकता है जाते थे मैं आपको एक दो तो व्यू भी दिखा देता हूँ यहाँ का। सो की गरेको रोहित, आशा करता हूँ कि आप लोग शायद मेरा जो डिलीवरी वाला ब्लॉग है वो हमेशा इंजॉय करते हो, और बहुत सारे भाई हैं जो कि बड़ा सपोर्ट और प्यार दिखाते हैं हमें। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट्स, एंड अब अपना भाई 3000 सब्सक्राइबर भी बनने वाला है, फिर और आप लोग का सपोर्ट दिखाइए, 3000 भी देखते देखते हो जाएगा, और 3000 क्या, आप लोग का प्यार बढ़ते रहेगा तो सब्सक्राइबर तो यूँ ही बढ़ जाएगा, सब्सक्राइब जैसा नंबर, बस आपका प्यार चाहिए मुझे और सपोर्ट। सो थोड़ा सा आगे जाके मिलते हैं आपको, ठीक है? सो गाइस, सुबह से ब्रेकफास्ट बिना किए निकला था, तो यहाँ पे आके काफ़ी भूख लगा, और ये ऑर्गेनिक जो मकाई है कसरी 15 दुई दिनुहोस् न। वो भी खैर लाइक दिस वीडियो, क्योंकि आज का जो व्लॉग था मज़ा आया मुझे भी, तो शायद आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। तो ये खा के मैं सीधा घर चला जाऊँगा, तो इस तरह मिलते हैं आपको एक अच्छी सी व्लॉग पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू नेक्स्ट व्लॉग।